Welcome to Kalinga Tutorial, Santikanan Lane near FM College, Baleshwar. Online classroom. So, today we will learn topic padhiba. See unit one. Second question ame padhiba. Question hoche kon? Discuss the central problem of economy. क्वेश्चन हूँ कौन डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जहाँ पर मोड़ियार को उच्च अर्थनीतिरो केंद्रीय समस्या बोली उड़ी को बनाना करो उसे रे अब पढ़ी बा बेसिकली यदि हमें कोई बा अति सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी बोल कोई लोग कौन बुझे बेसिकली तो हम ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द इकोनॉमी बेसिकली एंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज It's the central problem of the economy, or it is called fundamental problem of the economy. The central problem is arises in the economy due to the scarcity of the resources. What is that? Na scarcity of the resources, basically. जदि आम अर्थनीति केन्द्रीय समस्या बल गुड़िक कह बेसिकाली तेल कौन करा अर्थनीति अर्थनीतिर समस्या बल गुड़िक अर्थनीतिर मुख्य अंग अटे बेसिकाली जदि ये आम कह अर्थनीतिर समस्या गुड़िक किपर आसना स्कार्सिटी अफ रिसोर्स बेसिकाली जदि आम इकोनोमी प्रॉब्लम कथा कह ओनली आम इकोनोमी जी प्रॉब्लम देखा तो कौन जिस देखा ना स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेस आम अर्थनीति विभिन्न प्रकार आम समस्या आम फेस करछु बेसिकली तो यदि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी कथा कहो बेसिकली सो इन एन इकोनॉमिकल सेंस वी कैन से दैट ना वी हैव अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एंड वी हैव टू बी स्पेंड दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेस और एक्सपेंड दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेस इन अ प्रॉपर वे और इन एफिशिएंट वे थ्रू दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन और ह्यूमन वांट्स कुड बी सैटिस्फाइड क्लियर जदि आम ये कह स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस माने कौन एटी सीमित संबल जमी आम कहीपर बेसिकाली गोटे मनुष्य पाखे जमी सीमित संबल रही था से सीमित संबल को किपर भाव गोटे मनुष्य तार पूर्ण विनियोग परितृप्ति लाभ पाई तामर चेष्टा रेसिकाली बिकज इन एन इकोनॉमी द प्रॉब्लम्स आर अराइजेस बिकज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड दैट रिसोर्सेस कुड बी यूटिलाइज्ड इन ए प्रॉपर वे इन एफिशिएंट वे इन अ डायरेक्टिव वेज थ्रू दैट द ह्यूमन वांट्स कुड बी सैटिस्फाइड ह्यूमन डिजायर कुड बी फुलफिल्ड सो इफ यू टॉकिंग अबाउट इन एन इकोनॉमी As an individual has also facing the scarcity in his life. For an example, a person earning 10,000 rupees per month. Example, 10,000 rupees per month. Right? यदि गोटे व्यक्तिर मासिक इनकम 10,000 टका हुए ताले से व्यक्तिर इच्छा अनेक बिकज आम कही बेसिकली कौन अनलिमिटेड वांट्स जो मनुष्य पाखे तार जो अनलिमिटेड वांट्स रही इच्छा अधिक रही से इच्छा को परितृप्त करने सीमित संबल भितर परितृप्ति करने पड़ो एपरी भाव से विनियोग करेंगे जहाद्वारा कि से सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करें फॉर एन एग्जांपल इफ ए पर्सन हैज अर्निंग 10,000 rupees per month he has to spend his income in such a way so he will be completely get satisfaction after spending the money in a whole month basically for an example jodi mu kahi bethi 10000 taka income achi mu 10000 taka income ku 15 din de kharch kar deli jodi au 15 din kon rebo na jone byakti eti तार परितृप्ति को लाभ करना अभाव पड़ब से स्कार्सिटी कथा जहाँ कौ स्कार्सिटी स्कार्सिटी हूँ कौन सीमित संबल हूँ आम अर्थनीतिर सब प्रधान समस्या इट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी जदि आम पाखे
बहुत सारा संबल था एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस था आमे आम इच्छा मुताबक आमे से संबल को विनियोग कर पार्थंतु किंतु आम अर्थनीति आमर सीमित संबल जो एक अर्थनीति एक बाधक रूपे सृष्टि कर तो से कहुए जिते बड़े गोटे अर्थनीति समस्या गुड़िक देखा जाए से स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस जो रही स्कार्सिटी रिसोर्सेस जो आम यू संबल को संबल पूर्ण विनियोग करने दरकार जहाद्वारा गोटे अर्थनीति अभिवृद्धि हो पार सो एज यू नो एवरीबॉडी आवर इकोनॉमी आवर कंट्री इज एन डेवलपिंग कंट्री वी आर नॉट फुली डेवलप्ड सो एज ए डेवलपिंग नेशंस वी हैव ए स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस शुड बी देयर so if we are not utilizing that resources in a proper manner in a desired manner so the human wants could not be fulfilled similarly in economy has also faced certain problem in an economy due to the scarcity of the resources so whatever the optimum resource we have that should be utilized in a directive way in a purposeful way so that economy could be grown up economy could be developed economy could be progress right so if we talking about the central problem of the economy so what are the problems and what are the root cause of the सेंट्रल प्रॉब्लम द इकोनॉमी बेसिकली जी अर्थनीति आम समस्या कहूँ अर्थनीति समस्या तीन टी कारण आसी बेसिकली कौटू देर आर थ्री कॉज देर आर थ्री मेन कॉज इज देयर बेसिकली देर आर थ्री मेन कॉज इज देयर राइट ऑफ वी आर फेसिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी अर्थनीति तीनो समस्या आम सब देखी थो कारण देखी थो से तीनो कारण जो अर्थनीति समस्या सब देखा देता है सो व्हाट आर द कॉज causes of central problem so first problem am pakre kon rahi chi na scarcity of resources second point unlimited wants and third one alternative uses the scarcity of resource ko thame kahiba tan ta ko me kon kahuchu na simito sambhal boli ko unlimited wants manaviya abhav असीम थार्ड कहते ना संबल विकल्प व्यवहार संबल विकल्प व्यवहार ये तीन टी जो कॉज रही बेसिकली तीनो कॉज जो आम अर्थनीति ये सब समस्या देखा जाए द फर्स्ट वन द स्कार्सिटी स्कार्सिटी हूँ मैंने कौन अफ रिसोर्स स्कार्सिटी मैंने अभाव बेसिकली कहूँ बेसिकली द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस सीमित संबल जदि आम अर्थनीति आम पाखे सीमित संबल अच्छी से सीमित संबल को किपर भाव पूर्ण विनियोग कर मनुष्य सर्वाधिक परिचित पाइपर ता सब प्रचेषा रही टॉकिंग अबाउट द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इन एन इकोनॉमी बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी फेस द स्कार्सिटी of resources so here they have to be keep concentration to properly utilize the resources because we don't have much more amount of resources to be expense in a productive way or expense in a desirable way basically so jodi ame scarcity resources kotha koibar jodi gote manushya pakare right jodi gote manushya pakare 100 taka income achi clear जिससे 100 टंका इनकम को जदि से 100 टंका इनकम को जदि से विभिन्न द्रव्य रे खर्च करिवो फॉर एग्जांपल एजुकेशन शिक्षा पाई दबो
मेडिकल स्वास्थ्य देव विभिन्न वे से खर्च कर किंतु जो तापे संबल रही संबल को सी को भाव एवं अन्य बहुत सारा पद्धति रही विभिन्न प्रकार बाट रही खर्च बाट रही जहाद्वारा कि मनुष्य तार परितृप्ति लाभ कर तो ये जो कह बेसिकली स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस स्कार्सिटी रिसोर्सेस अर्थ होची ओडिया रे हम तो कहू सीमित संबल राइट सो इन आवर इकोनॉमी द रिसोर्सेस वेरी स्केयर सो इफ वी आर नॉट प्रोडक्टिवली यूटिलाइज द रिसोर्सेस इन ए इफेक्टिव वे सो वी कैन नॉट बी गेट द सैटिस्फैक्शन वी कैन नॉट बी फुलफिल द ह्यूमन डिजायर सो Due to the scarcity of resources, it is the main first root cause, root problems of the economy. That's why our economy should not be developed. Our economy is still in the developing stage. We are just in the progressing stage, basically. So, तनु जहाँ भी सीमित संबल अच्छे, ये सीमित संबलों को आमे किपर भार विनियोग करिबा, तारो सदुपयोग करे, अर्थनीति को अभिवृद्धि करिबा, तारो हमारो प्रथम लक्ष्य रहिबो. Right? Okay. तब सेकेंड जिन हूँ कौन अनलिमिटेड वांट्स जहाँ कह ओडिया मानवीय अभाव असीम जहाँ को कौन कौन मानवीय अभाव असीम अनलिमिटेड वांट्स जदि आम कह मनुष्य स्वप्न अनेक मनुष्य को केबे भी तार सब आशा पूर्ण करहब ना जिते बड़े गोटे मनुष्य गोटे आशा अभाव पूर्ण हुए आ गए अभाव तरह सृष्टि होता है बेसिकली तो जब आम कह अनलिमिटेड वांट्स ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड And we never satisfy the human being because when one desire could be fulfilled, another desire should be comes out. So here the human being has to be carefully utilize the resources whatever he has in his hand or available in his hand because all the wants could not be fulfilled. All the desire could not be fulfilled what human being wants at a time. Because of the scarcity of resources, जेतु मनुष्य पाकर सीमित संबल अच्छे मनुष्य तार सब मानवीय अभाव को पूरण करने संभव नुहे जदि मनुष्य गोटे अभाव पूर्ण नुहे आउ गोटे अभाव मनुष्य मन में जागृत होता है तेनाली कहू अनलिमिटेड वांट्स इट मीनस बेसिकली ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इट मीनस द यू कैनट बी सैटिस्फाइड ह्यूमन बींग यू कैनट बी फुलफिल ऑल द डिजायर ऑफ द ह्यूमन बींगस एट टाइम्स एट इज द अनदर cause or problems of the economy then second thing is there and third thing is the alternative uses jao ko ame kouchu sambalar bikalpa byabahar jo alternative uses kotha kouchu jodi ame janichu am pakhare simit sambal roichi jodi se simit sambalar ame bikalpa byabahar na kariba je taku productive way re kharcha na kariba je tar purposeful way re ame taku binjog na kariba ताहले आमे केबे भी परितृप्ति पाई ना ह्यूमन डिजायर्स ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फैक्शन कर पारिबा ना फॉर एन एग्जांपल सब माननीय तुम पेरेंट्स तुमको 100 टंका देले फॉर एग्जांपल तुम्हें से 100 टंका को विभिन्न क्षेत्र में तुम स्टूडेंट हिसाब से केमती खर्च कर आइदर तुम बुक्स खर्च कर आइदर तुम पेन खर्च कर आइदर तुम क्लोथ कौन सी केक्स खर्च कर आइदर कौन सी कॉस्मेटिक्स खर्च कर किंतु कथा हूँ कौन अल्टरनेटिव यूजेस एटी मनुष्य भाविबा दरकार छात्र भाविबा दरकार सब चार सब प्रथम इम्पोर्टेंट जिस कौटा जदि गोटे छात्र 100 टंका ता बापा देलापर पेरेन्ट्स देलापर से कौन कला ना कस्मेटिक रे खर्च करदे किंतु जेहेतु से स्टूडेंट्स से बुक्स और पेन किणला ना किंतु जेहेतु ये परितृप्ति सब पाइब तुम्हें संबल जेकोसी जगार तुम्हें विनियोग कर तो परितृप्ति पाइब किंतु एठारे छात्र हिसाब से कौटी विनियोग कर दरकार से प्रथम नित्यांत आवश्यकता रही छात्र हिसाब से बुक्स खर्च करवा दरकार किसी पेन खर्च कर बाकी जहाँ रलग जिनस खर्च कले भल हम बेसिकली क्लीयर सेमती कौन अल्टरनेटिव यूजेस जदि गोटे अर्थनीति आम जो रिसोर्स रही तार यूज आम नक प्रपरली भाव में खर्च नक जी आम सिंगल हैंडेड जी खर्च माननीय आ गए एग्जांपल दिए कहूँ बेसिकली
अल्टरनेटिव यूजेस सपोज गोटे पर्सन पाखे गोटे लोक पाखे हजार टाँचा रुपीज हजार टाँचा अच्छी क्लीयर जदि ताकि हजार टाँचा अच्छी से संबल किपर विनियोग कर रईट आईदर से 500 टाँचा होम एक्सपेन्सीस दब होम एक्सपेडिचर पर खर्च कर क्लीयर किसी हेल्थ पर दब आउ किसी एजुकेशन पर खर्च कर जदि गोटे व्यक्ति संपूर्ण हजार टाँचा जदि से होम एक्सपेडिचर लगे दूसरी तार हेल्थ आ एजुकेशन रो कौन प्रकार प्रत्युति से पाई ना तेणु जहाँ आम पाखे संबल रही से संबल किपर विकल्प व्यवहार करहब जो हजार टाइम कहले विभिन्न वे आम खर्च कराद्वर कि गोटे मनुष्य तर परितृप्ति लाभ कर तो जो अर्थनीति जो समस्या बल गुड़ आसूँ केन्द्रीय समस्या बल गुड़ आसूँ सेन्ट्राल प्रोब्लम आई तीनोट कारण जो हम आसूँ बेसिकली गोटे हूँ कौन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस जहाँ आम कौ सीमित संबल मनुष्य पाखे सीमित संबल रही है जो सीमित संबल को किपर भाव में पूर्ण विनियोग कर परितृप्ति लाभ कर मनुष्य उद्देश्य ठीक से हीपरी आम अर्थनीति बहुत सारा रिसोर्सेस स्कार्सिटी रही मैंने स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस आम अर्थनीति हूँ सीमित संबल आम पाखे रही है सीमित संबल पूर्ण व्यवहार हवा दरकार सेकेंड जिनस कह अनलिमिटेड वांट्स जहाँ कौन मानवीय अभाव असीम कौच यू नेवर सैटिस्फाइड इन ह्यूमन बीइंग व्हेन वन डिजायर इज फुलफिल्ड अनदर डिजायर कम्स आउट इन द माइंड व्हेन सपोज फॉर एन एग्जांपल राइट सपोज पर मंथ यू हैव 50,000 इनकम इनकम क्लियर जी कह जो व्यक्ति कह एक कह घर करी गाड़ीटे कि गोल्ड किणवि और ट्रावेल करी ये सब जिन खर्च करसिबल हो पार ना कहीं आम जानचु आम पाखे जो रिसोर्स रही रिसोर्स हूँ बहुत सीमित से सीमित संबल को से एपरी विपरीत भाव से व्यवहार कर जहाद्वर से प्रतृप्ति पाई से डिसाइड करवा दरकार भाव दरकार से कौ जिन से खर्च बेसी कर बेसिकली क्लीयर तापर थर्ड जिन कौन अल्टरनेटिव यूज संबल विकल्प व्यवहार जदि संबल विकल्प व्यवहार नक तेल कौन हम ना आम सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करय तुम पाखे 100 टाँचा अच्छी तुम्हें कंजप्शन करने आईदर तुम्हें ह्विट आउ राइस तो तुम्हें विकल्प व्यवहार कौन बेसिकली जदि 100 टाँचा मुझे रुटी खाइबा बेस प्रिय ह्विट आम गहम अजय कौ यदि आम जो मैंने रुटी खाइबा बेस प्रिय गहम खाद्य गहम को बेस प्रिफरेन्स देखते से बेस टाँचा खर्च कर रईस कम खाया चाहते से कौन करना ये कम इम्पोर्टेन्स दब ये हूँ कौन विकल्प व्यवहार बेसिकली जो संबल रही संबल विभिन्न वे आम विकल्प व्यवहार करइट जदि जो व्यक्ति कह रईस बेस भल पाँच 60 टाँचा ये खर्च कर 40 टाँचा ये खर्च कर से ही भाया ठीक अर्थनीति सी ठीक भाया कर डिसाइड करो जिनस विनियोग करवा दरकार व्हाट टू प्रोड्यूस और व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस एक्जाक्टली राइट सो दिस इज द बेसिक रूट कॉजेस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम सो ड्यू टू थ्री कॉजेस द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइजेस एंड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आवर इकोनॉमी सो नाउ कम टू द मेन टॉपिक The central problem of the economy. What are the problem exactly we are facing in an economy? If we talking about the central problems of the economy, so central problem economic will be consisting with what to produce, how to produce, to whom to produce, and how much quantity to be produced. So, आमे कहिलु आम पाखे स्कार्सिटी रिसोर्सेस अनलिमिटेड वन अल्टरनेटिव यूजेस आम जो भी तीन टाइम कारण पर समस्या गुट देखा तो कौन सब समस्या कौन सब प्रॉब्लम आम फेस कर डिस्कशन करवा बर्तमान जो सेंट्रल प्रॉब्लम कथा आम कह सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कह आम चारिटी पार्ट कथा भाव देखा तो सेंट्रल प्रॉब्लम कंसिस्टिंग विथ कौन फर्स्ट What to
what to produce, how to produce, whom to produce, how much quantity to produce. जदि आम ओडिया कह हाट टू प्रड्यूस मीन कौन ना कौन उत्पादन करा जीवो कौन उत्पादन करा जीवो सेकेंड हाउ टू प्रड्यूस जी ओडिया कह कौन कह किपरि उत्पादन करा जीवो किपरि उत्पादन करा जीवो थर्ड होम टू प्रड्यूस मैंने कौन कहा पाई उत्पादन करा जीवो कहा पाई उत्पादन करा जीवो होम टू प्रड्यूस केते परिमाण उत्पादन करा जीवो सॉरी हाउ मच क्वांटिटी टू प्रड्यूस केते परिमाण रे उत्पादन जदि आम सेंट्रल प्रॉब्लम कथा कौन केन्द्रीय समस्या प्रॉब्लम गुड़ कौन तेल अर्थनीति में आम यही चारोटी समस्या फेस कर बेसिकली सो फास्ट कहला कौन व्हाट टू प्रड्यूस कहुए कौन उत्पादन हाउ टू प्रड्यूस किपर उत्पादन होम टू प्रड्यूस क्या उत्पादन एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रड्यूस केमाण उत्पादन यही जो समस्या रही है से समस्या गुड़क आम वन बाय वन आम डिस्कशन कर फास्ट आम कौन देखा ना व्हाट टू प्रड्यूस विषय में देखा कौन उत्पादन विषय देखा बेसिकली यदि मैं व्हाट टू प्रड्यूस कथा कह बेसिकली कौन उत्पादन ये विषय डिस्कशन करवा फास्ट पार्ट आसला कौन व्हाट टू प्रड्यूस कौन उत्पादन करा जीवो ओके सो डोंट यू थिंक दैट व्हाट टू प्रोड्यूस इट इज इन वन ऑफ द इंपोर्टेंट प्रॉब्लम द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इट मींस हियर वी गेट कंफ्यूज्ड वी डोंट नो हाउ मच अमाउंट हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली एंड व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस एंड व्हाट वी आर नॉट exactly so here the economy has to decide make a choice to produce the goods and services from the different goods basically what to produce is the first foremost important problem of the economy first things second thing here the economy cannot produce all the goods at times because as you know I remind you again because that we have a limited amount of resources so scarcity of resources scarcity of resources due to the scarcity of resources we have to decide carefully what thing we have to produce and what thing we are not going to produce basically so here jodi am ta lekhiba kemti lekhiba What to produce कथा जो कह what to produce is the first problem of the economy. Here the economy cannot be produce all the goods at a time specifically. Here the economy has to make a choice from the different goods and services and what to produce and what is not exactly. Because why this question arises? Because we have a scarcity of resources. हमको resources बहुत संभव बहुत कम अच्छी राइट जदि आम तार जी अपव्यवहार करवा अर्थ अभिवृद्धि केवे भी कम आसपार ना से इकोनोमी ये कौन कर डिसाइड कर कौ जिनस से खर्च कर आईडर एटी से खर्च प्रड्यूस कंज्यूमर गुड्स बा प्रड्यूसर गुड्स प्रड्यूसर गुड्स
সেটা খরচ করব বেসিকালি যদি কনজ্যুমার গুডস আমি যদি কহ কুচি উপভোগ দ্রব্য আর প্রড্যুসর গুডস যদি কহ উৎপাদক দ্রব্য বেসিকালি বিকজ কাহিকি আমার পাখে যে সীমিত সম্বল রয়েছে সে সীমিত সম্বলকে কিপর ভাবে আমি বিনিয়োগ করে কিপর ভাবে উৎপাদক দ্রব্য এবং উপভোগ দ্রব্য আমি তৈরি করা তা আমার লক্ষ্য রহব সো হিয়ার দ্য হোয়াট টু প্রড্যুস কুড বি মেক অ্যানালিসিস হিয়ার দ্যাট টু প্রড্যুস দ্য ডিফরেন্ট কাইন্ড অফ গুডসেস বাই ইউটিলাইজিং দ্য স্কার্সিটি অফ রিসোর্সেস বাই ইউটিলাইজিং দ্য লিমিটেড রিসোর্সেস বেসিক্যালি সো হিয়ার দেয়ার শুড বি প্রোডাকশন পসিবিলিটিস শুড বি কামিং আউট অ্যান্ড ইট কুড বি শোন ইন এ ফিগার্স সো হোয়াট কুড ইউ প্রড্যুস বাই ইউটিলাইজিং দ্য স্কার্সিটি অফ রিসোর্সেস উইথ এ PPC production possibility curve. So I'll do a diagram. Carefully look it out. Carefully look it out. That is y-axis. That is x-axis, that is O. Left side could be called Nova, Gons production Nova, Ethinova, butter. Called Nova, butter. That is G1 here, that is G2 for the at a B1, B2, at a R, at a S. The eighth line number called Pochu, PPC, Pochu, not production. প্রডাকশন পসিবিলিটি কর যা আমি কোচু ওড়িয়ার উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা বলে আমি কহ বেসিকালি যদি আমি কোচু অর্থনীতি এটি আমি কোচু কম উৎপাদন করা যাব কাহিকি আমি জাঁচু মনুষ্য পাখে বা অর্থনীতি পাখে সীমিত সম্বল রয়েছে তো সীমিত সম্বলকে বিনিয়োগ করে কেমি অর্থনীতি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য তৈরি করে পার সে জিনিস উপরে উৎপাদক দ্রব্য বা উপভোগ দ্রব্য তৈরি করব সে জিনিসকে আমি এক উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা চিত্র মাধ্যমে আমি তাকে দর্শাউছি বেসিকালি যা আমি পিপিসি কর বলে কুচু এটি অর্থনীতির যদি কহিবা অর্থনীতি যে সম্বল রয়েছে সম্বল কোটি গুডস না দুইটা গুডস আমি খরচ করছু কেউ দুইটা গুডস তৈরি করছু না গোটে গনস তৈরি করছু গোটে বটর তৈরি করছু ঠিক আছে ওয়াই অক্ষরে আমি কোন নিচ্ছু গনস নিচ্ছু আর এক্স অক্ষর কোন নিচ্ছু আমি বটর নিচ্ছু বেসিক্যালি ক্লিয়ার যেতবে আমি দেখিবা ওজি যেতবে ওয়াই অক্ষরে ওজি অ্যামাউন্ট অফ গন তৈরি হচ্ছে সেটা তুমি দেখিব অবি অ্যামাউন্ট অফ বটর তৈরি হচ্ছে বেসিক্যালি কাহিঁকি আমি কহিছু যে রিসোর্স রয়েছে সে রিসোর্স অল্টারনেটিভ ইউজেস হওয়া দরকার যদি ইকোনোমি আমি কহ গন কত তৈরি হব যেত যুদ্ধ সময় যে ওয়ার টাইম যেত রহব তাহলে সে সময় গনর ডিমান্ড বেশি রহব সেই গনকে আমি বেশি তৈরি করা সেতু বটরকে আমি কম তৈরি করে বটরকে স্যাক্রিফাইস করা যেতবে যুদ্ধ সময় পলাই যাব ওয়ার কমি যাব সেতু আমি কম করা না গনর প্রডকশন কমি যাব কোথায় জি ওয়ান জি টু পলাই আসব খসি আসব ঠিক সেই সময় আমি বটর প্রডকশন বড়াই দেওয়া ওবি ওয়ান রু ওবি টু কু পলাই যাব দেখ এটি গোটে জিনিস মার্ক করিও তোমাদের যেতবে ওজি ওয়ান রে ওজি ওয়ান গন তৈরি হচ্ছিল যেত ইকোনোমি গন তৈরি করলে সেই অনুসারে আমি ওবি ওয়ান র কম বটর তৈরি করলে ইকোনোমি যেতে যুদ্ধ সময় ছিলা সে ওজি ওয়ান আমি কম করলে না ওজি ওয়ান গন তৈরি করলে আর ওবি ওয়ান বটর তৈরি করলে যেত যুদ্ধ সময় চালগলে অর্থনীতির অর্থনীতির যদি প্রায়োরিটি আমি কথা কহ বেসিক্যালি যুদ্ধ সময় চালগলা পরে তখন গন প্রডকশন রেসিও কমি গলা কোথায় আর জি ওয়ান জি টু খসি ঠিক সে অনুসারে বটর উৎপাদনকে আমি বড়াই দেবা বেসিক্যালি ক্লিয়ার ঠিক যে মানি ফর এন এক্সাম্পল যদি তুম পাখে শহে টঙ্কা অশে টঙ্কা যে অছি তুমি আইদর হুইট প্রডকশন করিব বা রাইস প্রডকশন করিব মানে নিও কল করিব হুইট প্রডকশন করিব বা রাইস করুছি তাহলে সে কম করিব না এটি ষাটে টঙ্কা খরচ করিব হুইটে চাশ টঙ্কা খরচ করিব কোথায় না রাইসরে এটা রাইস এটা হল হুইট যদি মর রাইস বেশি দরকার তাহলে কম করিব তাহলে কম করিব তাহলে আমি এটি
ताले हुईट को ये सैक्रिफाइस करवा चालीस टाँचा हुईट तैयारी करवा षाठी टाँचा रईस तैयारी करवा तेणु तो व्हाट टू प्रोड्यूस कहूँ बेसिकाली कौन उत्पादन करवाट टू प्रोड्यूस इज द वन ऑफ द फर्स्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी बेसिकली हियर द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स इन एट ए टाइम हियर द इकोनॉमी हैज टू मेक डिसाइड मेक अ चॉइस टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली सो हियर द इकोनॉमी हैज टू प्रोड्यूस बोथ कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड्स सो दैट वुड बी सॉन थ्रू ए पीपीसी कर हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ गॉन्स एंड बटर व्हेन वार टाइम इज गोइंग ऑन युद्ध समय आम कौन कर गन बेस तैयारी बटर कम तैयारी राइट ये तो युद्ध समय पल गन आम कम तैयारी कर बटर आम बेस तैयारी देख जो तुम देख जी वन और बी वन जो पॉइंट था से समय देख आर पॉइंट प्रोडक्शन पसिलिटीज थी जितने गन रेसीो कमीगला जी वन जी टू को ये बटर संख्या बढ़ीगला देख प्रोडक्शन पसिलिटी सिफ्ट हो गला आर टू एस को सिफ्ट हो गला तो यार विभिन्न प्रकार अर्थनीति में से जो सीमित संबल रही सीमित संबल जी आम विकल्प व्यवहार करवा अल्टरनेटिव यूज करवा विभिन्न प्रकार पॉसिबिलिटीज आसो दी प्रकार पॉसिबिलिटीज आस देख फास्ट आम गन तैयारी कले बटर कम कले आर पॉइंट आम कौन कले ना उत्पादन संभव रेखा रहा प्रोडक्शन पीपीसी को रही पॉइंट एट रहा जदि आम गन कम तैयारी जी टू को पड़े आसने जी वन जी टू को बटर टी बढ़ाई देख एट प्रोडक्शन पसिबिलिटी को सिफ्ट हो गला आर एस को सिफ्ट हो गला बेसिकली क्लीयर तो ये अर्थनीति भाविबा दरकार जो सीमित संबल अच्छे कौन उत्पादन कर कौन उत्पादन करापुर नजर ध्यान रखे जा अर्थनीति समस्या गुड़िक दूरीभूत हो पार जी संबल पूर्ण विनियोग न हो यदि विकल्प व्यवहार न हो तोहार अर्थनीति अभिवृद्धि हो पार ना तो यहाँ व्हाट टू प्रोड्यूस विषय कौन उत्पादन कर सेकेंड पार्ट को सेकेंड पार्ट को हाउ टू प्रोड्यूस कौन कह हाउ टू प्रोड्यूस किपर उत्पादन किपर उत्पादन जी कथा कह बेसिकली सेकेंड पॉइंट हाउ टू प्रोड्यूस किपर उत्पादन हाउ टू प्रोड्यूस क्या कह बेसिकली हियर इट इज द अनदर प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी बेसिकली सो इट रेफर्स टू दैट चॉइस ऑफ द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन वी आर यूजिंग फॉर द प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली यदि किपर उत्पादन किपर उत्पादन ये गोटे पुणी समस्या सृष्टि होती जेहेतु आम जानू आम पाखे फास्ट प्रोब्लम थी कौन व्हाट टू प्रोड्यूस जेहेतु सीमित संबल अच्छे आम भाभी चिंती कौन विनियोग करवा से जिन विषय में परिकल्पना कर दरकार पुणी सेकेंड प्रोब्लम तुम पाखे आसा कौन व्हाट टू प्रोड्यूस किपर उत्पादन हो भी गोटे समस्या तुम पाखे रही जेहेतु ये कहले किपर उत्पादन कौच हाउ टू प्रोड्यूस क्या कौच ना हाउ टू प्रोड्यूस सिंपली रेफर्स टू दैट ए चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज टू प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली सो केमी आम किपर भाव एम भाव प्रोडक्शन करवा जहाद्वारा कि संबल विकल्प उपयोग हो पार से हाउ टू प्रोड्यूस कौन रही ना दुईट पद्धति रही दुईटा टेक्निक्स रही कौन रही ना दुईटा टेक्निक रही यूज कर बेसिकली कौ टेक्निक ना प्रोडक्शन टेक्निक कौ टेक्निक ना प्रोडक्शन टेक्निक कहीं उत्पादन करने आमको किसी प्रोडक्शन उत्पादन पद्धति निहत आवश्यक जहाँ आम कौच प्रोडक्शन टेक्निक कौ तो कत प्रकार टेक्निक दुईटा टेक्निक्स रही बेसिकली तो फास्ट वन कौन फास्ट वन हूँ कौन ना लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेबर इंटेंसिव टेक्निक आउटेला कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक आम कौन कौन श्रम बहुल पद्धति कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पूंजी बहुल
पद्धति बोली आम कहु बेसिकली क्लियर जिते आम कहूँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक कथा कहूँ बेसिकली आम कौन कौन उड़िया श्रम बहुत पद्धति आगे कैपिटलिस्टिक टेक्निक जहाँ को पूंजी बहुत पद्धति ये दुईट पद्धति मध्यम आम जो सीमित संबल अच्छे से सीमित संबल को व्यवहार करें उत्पादन करवा जब आम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कथा कह लेबर इंटेंसिव टेक्निक माने कौन लेबर इंटेंसिव टेक्निक माने कौन यूजिंग मोर लेबर लेस कैपिटल राइट आज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कथा कह कौन यूजिंग मोर कैपिटल लेस लेबर जदि आम लेबर इंटेंसिव पद्धति को आम श्रम पद्धति को व्यवहार करवा तेज कौन करवा लेबर को मोर यूज करवा आउ कौन करवा कैपिटल टाक लेस यूज करवा राइट ए लेबर को प्रमोट बेसी करवा लेबर इंटेंसिव टेक्निक आम कौन लेबर प्रमोशन बेसी रु कैपिटल प्रमोशन कम यूजिंग मोर लेबर एंड लेस कैपिटल कौटी लेबर इंटेंसिटी लेबर इंटेंसिटी टेक्निक मानक श्रम बहुत पद्धति जो थी कि आम श्रम बेस यूज करवा कैपिटल पुंजी कम विनियोग करवा जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आम कथ कह कौन कह पुंजी बहुत पद्धति कहुए ना ये कौन कह पुंजी बेसी विनियोग हम लेबर कम विनियोग हम जस्ट अपोजिट भर्सन रोज लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेबर बेस यूज हम कैपिटल कम हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैपिटल बेस यूज हम आउ लेबर आम कम यूज करवा कह तो सिंपल वन लाइन आम लिखा लेबर इंटेंसिव टेक्निक सिंपली मीन्स यूजिंग मोर लेबर लेस कैपिटल इफ टॉकिंग अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इट मीन्स वी आर यूजिंग मोर कैपिटल लेस लेबर बेसिकली सो दिस इज द टू वे द टू टेक्निक्स थ्रू दैट वी कैन एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी राइट सो ये दुटा टेक्निक्स मध्यम ये दुटा प्रोडक्शन टेक्निक मध्यम आम कौन करवा ना किपर भाव में आम द्रव्य उत्पादन हो पार राइट जेकोसी पद्धति को आम अवलंबन कर आम द्रव्य व सेवा अर्थनीति यापर आज तुम्हें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर पार बेसिकली जदि आम लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेस यूज कर श्रम बेस यूज करवा आ कैपिटल कम यूज करवा राइट माननीय आम देश जो अर्थनीति रही है डेवलपिंग नेशन बेसिकली जो आम जो अर्थनीति रही कौन होना आम बेस श्रम यूज करूँ कैपिटल कम यूज करूँ कि फरेन कंट्रीज मानक कौन है बेसिकली ना कैपिटल बेस इंटेन्स कैपिटल बेस यूज करते श्रम कम यूज करते बेसिकली जेहतु से प्रडक्शन जो कैपिटल इंटेन्सीव टेक्निक आम यूज करूँ कैपिटल इंटेन्सीव टेक्निक तो बहुत फास्ट रुए जहाँकि फिजिकाल लेबर कम देवा पड़े आउ जहाँ अल द वर्क सुड डन थ्रू द मेसीनरीज एंड अल टूल्स एंड टेक्निक्स बेसिकली क्लियर सो ये दुईट पद्धति रही है अर्थनीति से दुईट पद्धति को अवलंबन करेकोसी पद्धति को व्यवहार कर आम कौन करवा ना किपर भाव में द्रव्य उत्पादन हो पार तार संभव विनियोग आम करवा बेसिकली तार थर्ड पॉइंट हूँ कौन होम टू प्रोड्यूस थर्ड पॉइंट हूँ कौन होम टू प्रोड्यूस क्या उत्पादन कर फास्ट क्वेश्चन आसला व्हाट टू प्रोड्यूस कौन उत्पादन करवा सेकेंड आसला हाउ टू प्रोड्यूस तुम कह बर्तमान जिनस कले किपर ताले क्यापाई तैयारी कर सब बड़ आ गए समस्या रही है सो कौच कौन थार्ड पार्ट अच्छी कौन आम होम टू प्रोड्यूस क्यापाई उत्पादन करवा राइट होम टू प्रोड्यूस कहाँ पे उत्पादन करवा सो होम टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी राइट सो एज यू नो वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वंस सो वी हैव टू बी प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेस बाय यूटिलाइजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेस इन अ प्रोडक्टिव वे थ्रू दैट ह्यूमन डिजायर्स कुड बी फुलफिल्ड सो हियर होम टू प्रोड्यूस मीन्स व्हाट नाउ होम टू प्रोड्यूस सिंपली इज रेफर्स टू दैट हियर द हियर रेफर्स टू दैट द चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेस विद डिफरेंट इनकम ग्रुप्स बेसिकली होम टू प्रोड्यूस बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेस फॉर द सोसाइटी फॉर द कंज्यूमर आम समाज पर लोक मान जिनस या समाज विभिन्न श्रेणी इनकम वर्गर लोक अच्छा राइट तो ये कहे होम टू प्रोड्यूस इट मीन्स इट सिंपली रेफर्स टू दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेस विदिन द डिफरेंट इनकम ग्रुप्स इन द सोसाइटी डिफरेंट इनकम ग्रुप्स मीन्स व्हाट गाइस डिफरेंट इनकम ग्रुप्स मीन्स एज यू नो दैट
थ्री लेवल्स इनकम लेवल्स इज देयर ताको हम कोन कोचु ना टॉप मिडिल लोअर लेवल्स सो टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल इनकम ग्रुप्स आर देयर इन द सोसाइटी टॉप अपर अछि मिडिल अपर अछि लोअर अपर भी अछि विभिन्न स्टेट लोक अछि बट यदि हम देखिबा इनकम क्लासिफिकेशन बिषय कहिबा से टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर क्लासेस लोक अछन्ते तो सेही जो लोक मान को पई डिस्ट्रीब्यूट करिवा से कहला कोन ना होम टू प्रोड्यूस सिंपल रेफर्स टू दैट टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेस विद द डिफरेंट इनकम ग्रुप्स इन द सोसाइटी विभिन्न स्टैंडर्ड जो इनकम वर्ग रो आय वर्ग रो लोक मान अछन तांको भीतर किपर भाव बंटन करबा ता हमरो लक्ष्य रहइबो जदि हम एथि कहिबा हाई इनकम तले कोन हो हाई परचेजिंग पावर हाई परचेजिंग पावर लो इनकम यदि रहइबो ताने कोन कहबो ना लो परचेजिंग पावर राइट लो परचेजिंग पावर तो यदि हम कहबा कि कहा पर उत्पादन करछु जे कोन से द्रव्य हम एथि तयार करछु ता समाज पे तयार करछु लोक मान को पे तयार करछु जहा को हम लोक मान को भीतर माने समान भाव बंटन करे ता हमर लक्ष्य रही छे जो समाज रे विभिन्न श्रेणी लोक एथि रही छथि टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी लोक रही छि समस्तंकर इनकम आय स्तर समान नहि तो समाज रे किपर भाव रे हम द्रव्य किपर में तयार करबा जहा कि सब श्रेणी लोक माने या को उपभोग करी परितृप्ति पाई परबे ता हमर लक्ष्य किंतु होम टू प्रोड्यूस इज द थर्ड प्रॉब्लम्स और कहा पर उत्पादन करले थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी बोली हमें कहू छ बेसिकली जहा दोथरे हमें कोन डिस्ट्रिब्यूट लक्ष्य करबा ना जो द्रव्य हमें तैयार करछु से द्रव्य को केमती भाव डिस्ट्रिब्यूट करबा कोठे ना गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रिब्यूट कोठे करबा ना विभिन्न श्रेणी जो लोक अछन्ते इनकम ग्रुप लोक अछन्ते से मान को भीतर के पर बंटन करबा ता हम देखबा यदि ओरे लोकर इनकम यदि हाई थिबो तले परचेजिंग पावर मध्ये हाई रहबो माने जार इनकम बेसी से बेसी खर्च करबो तार इनकम को तार खर्च मध्ये कम रहइबो त या होचे तीन नंबर प्रॉब्लम कथा कोइला को होम टू प्रोड्यूस एंड लास्ट पार्ट को हम जे जिबा हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टू प्रोड्यूस कोन कोला ना हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टू प्रोड्यूस फोर पार्ट हाउ मच क्वांटिटी to produced right kete parimana re utpadan kariba kete parimana re utpadan kariba तो तुमन को कहि सर छै ऑलरेडी जे व्हाट टू प्रोड्यूस मु कहि छै तुमन देखि छौ केते परिमाण उत्पादन करबा जेहेतु अर्थनीति रे हम कोन होइ छै स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस रहि छै जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस रही छे जो रिसोर्सेस रही छे से संबल को विनियोग करे आमे केते जिनस को जिनस केते तयार करबा ता हमको लक्ष्य रखिया पे करबो जदि आम पाखरे संबल 100 टका अछि फॉर एन एग्जांपल तो जदि आमे 60 टका व्हीट तयार करबा आउ राइस तयार करबा मानियो जदि व्हीट को आमे 100 टका 60 टका तयार करबा ताले 40 टका एटी तयार करियो काहे कि आमे जदि व्हीट ऊपर बेसी डिपेंड करबा ताले अन्य जिनिस को आमे सैक्रिफाइस करबा पे पड़िबो जदि आमे राइस ऊपर 60 टका दबो ताले खर्च करबा ताले एटी 40 टका आमे खर्च करबे पड़िबो तो तार विकल्प व्यवहार आमे करूछो जहा द्वारा कोन होछि ना केते परिमाण उत्पादन करबा ता मध्य हमको डिसाइड करबे पड़ुछि काहे कि ना ना आम पाखे संबल सीमित रही है जो से सीमित संबल को किपर भाव तार स्वल्पता को आखि आगे रखी आम किपर भाव संबल पूर्ण विनियोग करवा सर्वाधिक प्रतिति पाई तामर लक्ष्य एवं ये अर्थनीति में कौचु कौ जिन या दरकार कौ जिन या नक दरकार अर्थनीति डिसाइड कर सियोर द हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस इट मीन व्हाट एक्जाक्टली हियर द इकोनॉमी हैज टू डिसाइडेड दैट व्हिच क्वांटिटी हाउ मच क्वांटिटी वी नीड टू प्रोड्यूस एंड व्हिच व्हिच अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस टू बी इन्वेस्ट टू प्रोड्यूस
प्रोड्यूशन एक्स और प्रोड्यूशन वाई फॉर एग्जांपल तुमको मुझे एग्जांपल देली मानी नहीं थी सौ टका तुम पाखे अच्छी जदि तुम कह व्हीट की प्रोडक्शन कर राइस प्रोडक्शन कर तुम्हें तेरे कौन बेसी खर्च जदि जो मैंने ह्विट प्रिफरेन्स बेसी करते ह्विट से बेसी खर्च करेंगे कौन कले षाठी टाँग खर्च कले रईस पसंद कले चालीस टाँग खर्च करेंगे जो मानक आम कौ जो थे जो मैंने रईस बेस प्रिफरेन्स देते हैं कौन हम ना से षाठी टाँचा खर्च करेंगे रईस आने चालीस टाँग कौटे ह्विट खर्च करेंगे तो अर्थनीति को यहीपर भाव में आम के परिमाण उत्पादन करवा नक आम स्कार्सिटी रिसोर्स को डिपेंड्स करके आम प्रोडक्शन करवा जहाँ कि सठिक विनियोग हो पार एवं मनुष्य व सर्वाधिक प्रकृति पाई ह्यूमन बीइंग्स समस्त सैटिस्फैक्शन पाई सो हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस इट मीन्स सो हियर द इकोनॉमी हैज टू डिसाइडेड व्हिच अमाउंट हाउ मच अमाउंट यू नीड टू प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द स्कार्सिटी रिसोर्सेस इन ए प्रॉपर वे एंड दे विल बी गेट द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन राइट यदि ओडिया आम कह के परिमाण उत्पादन करवा तो यह सीमित संबल स्वल्पता को रक्षा कर देखिए आखि आगे रखे संबल विनियोग करवा जहाद्वारा कि आम सर्वाधिक प्रकृति पाई तो यहाँ हूँ तुम फास्ट क्वेश्चन थी जो थे कि आम अर्थनीतिर केन्द्रीय समस्या विषय वर्णना कलु सेंट्रल प्रॉब्लम विषय वर्णना कलु सेंट्रल आउ थ मूल रिकेप करदे ना ना अर्थनीति जो समस्या तीन टी कारण आसाला बेसिकली फास्टा कौन थी ना स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस सेकेंड है अनलिमिटेड वन्स थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस यही तीनो कारण अर्थनीति समस्या गुड़िक देखा दूसरा तो जो समस्या देखा दूसरा से समस्या गुड़ कौन कौन ना फास्ट थी कौन व्हाट टू प्रोड्यूस सेकेंड थी कौन हाउ टू प्रोड्यूस थर्ड टू होम टू प्रोड्यूस फोर्थ हाउ मच टू प्रोड्यूस बेसिकली ये चार जो समस्या में कथा कहले व्हाट टू प्रोड्यूस कौन आसला ना व्हाट टू प्रोड्यूस आम कौन उत्पादन करवा बेसिक भावे से आम कौन कहते ना द इकोनॉमी कैन नॉट बी प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एट ए टाइम्स बेसिकली राइट दे हैव टू मेक ए चॉइस टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज आइदर दे हैव टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दे कुड बी एक्सप्लेन विथ द पीपीसी कर्व कही तुमको पीपीसी कर्व विषय कही जो थे कि गन्स आउ बटर विषय तैयार करते जब गन बेस या बटर कम करवा बटर कम बेस तैयार कर गन को कम करवा से अनुसार आम विभिन्न प्रकार प्रोडक्शन पसबिलिट तैयारी बेसिकली तो से अनुसार आम उत्पादन कौन उत्पादन करवा आम डिसाइड करूँ तो हाउ टू प्रोड्यूस कौन करूँ ना उत्पादन किपरी भाव हो पार से गोटे कौन पद्धति दरकार से गोटे समस्या थी से पद्धति गुट कौन दुईट पद्धति आम यूज करूँ गोटे श्रम पद्धति आ गए पुंजी पद्धति श्रम पद्धति कौन करूँ आम बेसिकली जहाँ कौन लेबर इंटेनसीव टेक्निक लेबर इंटेनसीव टेक्निक आम कौन यूज करूँ ना यूजिंग मोर लेबर लेस कैपिटल आउ जदि आम कैपिटल इंटेनसीव टेक्निक कथा कहता है यूजिंग मोर कैपिटल लेस लेबर ये जो दुईट पद्धति को नहीं सीमित संबल विकल्प व्यवहार कर आम जेकोसी द्रव्य को उत्पादन करवा कौन टू होम टू प्रड्यूस जे द्रव्य क्या या बेसिकली द गुड्स एंड सर्विसेस टू बी प्रड्यूस फॉर टू द सोसाइटी फॉर द पीपल एंड फॉर द डिफरेंट इनकम ग्रुप्स इन द सोसाइटी सो एज यू नो एवरीबॉडी द थ्री डिफरेंट लेवल्स इज देयर टॉप लेवल इनकम पीपल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल पीपल्स आर देयर क्लियर सो इन ए सच ए वे यू नीड टू बी प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेस ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल कुड बी गेट सैटिस्फाइड और द ह्यूमन डिजायर कुड बी फुलफिल सो व्हाट एवर द गुड्स केते परिमाण उत्पादन सॉरी कहाँ पे उत्पादन जो करवा कथा कहते बेसिकली से आम लोक मानी विभिन्न विभिन्न आयस्तर लोक मैं या कहूँ तर फोर्थ पॉइंट थी हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस केमें या अर्थनीति यह अनेक प्रॉब्लम समस्या बोली कौ अर्थनीतिर स्वल्पता को आखि आगे रखी आम कौन जिस या दरकार कौन जिस नक दरकार आम विश्लेषण करवा जदि गोटे उद्योक्ता कौन कर एक्स को जब बेसी कर वाई को कम कर सैक्रिफाइस कर वाई को बेसी कर एक्स को सैक्रिफाइस कर एक्स जब बेसी कर वाई सैक्रिफाइस कर बेस कम कर वाई जब बेसी तैयारी कर एक्स को सैक्रिफाइस करवा ठीक से भाव में संबल विनियोग करवा आते तैयारी करवा आम एटे अवलम्बन कर क्लीयर तो यहाँ तुम फास्ट क्वेश्चन थी
डिस्कस द सेंट्रल प्रोब्लम ऑफ द इकोनॉमी और केंद्रीय समस्या भले बनियान कर। तो फास्ट क्वेश्चन आम पढ़ते अर्थन परिसर विषय बस्तु आलोचना करते द्वितीय नंबर क्वेश्चन आम कौन कहे ना डिस्कस द सेंट्रल प्रोब्लम ऑफ द इकोनॉमी अर्थन केन्द्र समस्या विषय में आलोचना कले। तो भावी भल से भिडियो टी देख प्रत्येक प्रोब्लेम्स को जो चार्ट प्रोब्लेम से भल भाव एक्सप्लेन कराई तुम देख जदि कौन असुविधा रुए तो नंबर दि जाइए नंबर में कंटाक्ट कर मतलब पचार क्लीअर तापर कि तुम्हें क्वेश्चन रही किसी टास्क रही तुम्हारे टास्क कर खातार लिखि खातर लिखि घर को रखि क्लास खोलापर ताक चेक करवा कौन कौन क्वेश्चन हो पाए। दुई मार्क्स क्वेश्चन को जी टू मार्क्स क्वेश्चन को जी आम ये टू मार्क्स क्वेश्चन बेसी हम बेसिकली राइट। फास्ट क्वेश्चन जी पचार डिफाइन सेंट्रल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी फास्ट क्वेश्चन। सेकंड व्हाट इज ईपीसी जहाँ को मैं कह प्रोडक्शन पसिबिलिटी कर। थर्ड रे कौन कह व्हाट टू डिफाइन व्हाट टू प्रोड्यूस डिफाइन व्हाट टू प्रोड्यूस। फोर डिफाइन हाउ टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस। फिफ्थ व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। एब टू मार्क्स क्वेश्चन आसपे फास्ट क्वेश्चन आस रहा कौन ना केन्द्र समस्या वर्णन कर जो केन्द्रीय समस्या गुड़ वर्णन कर तुम चार्ट पार्ट लिख ना अर्थनीति समस्या अनेक रही है जो चार्टा व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस व्हेन टू प्रोड्यूस होम टू प्रोड्यूस और व्हाट अमाउंट प्रोड्यूस विषय लिख रईट। तापर व्हाट इज पीपीसी पीपीसी हूँ कौन उत्पादन संभाव्य रखा जाए क्या कहुए उत्पादन उत्पादन संभाव्य रेखा कहा को कहा जाए रेखा कहा कहा जाए। तापर व्हाट टू प्रोड्यूस कौन उत्पादन कर दुई लाइन लिख डिफाइन हाउ टू प्रोड्यूस लिख लैबर इंटेंसिव टेक्निक जहाँ को आम कौ श्रम बहुत पद्धति क्या कह जाए आउ पुंजी बहुत पद्धति क्या कह जाए यह सब जिन विषय में तुम टास्क दिगला तुम्हें भलसे भिडियो टी देख भिडियो सब सब जिन सब क्वेश्चन आंसर को भल भाव आम डिस्कसन कर देखिकी खातार तुम्हें लिखि रख नेक्स्ट क्लास यहाँ देखा आउ पी नेक्स्ट क्लास देखा पुणी नुआ टपिक क्वेश्चन नंबर थ्री सहित देखा पुणी राइट। थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे।